हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे होंगे और सभी यहाँ वहाँ जाने की तैयारियाँ, मतलब सभी अपने भाई से मिलने की तैयारियाँ, या फिर हो सकता है आपके यहाँ आपके ब्रदर भी आने वाले हों और बहुत लोग नैहर जाने की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो वंस अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ रक्षाबंधन की। भगवान करे हर घर में भाई बहन का प्रेम ऐसे ही बना रहे। आज मैं बहुत छोटा सा, एक बहुत ही साधारण सा बट बहुत ही यम्मी सा रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा कि रेसिपी देखकर वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और ये कुछ मेरे फ़ोटोज़ थे जी, वो बहुत दिनों का है, और मतलब बहुत दिनों मतलब इसी मंथ का है, तो थोड़ा सा मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि फिर ये डिलीट हो जाता, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको सबको एक जगह ही ऐड कर लेती हूँ। और जिस दिन का ये फ़ोटो है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी मुजफ्फरपुर में, और ये मेरा प्यारा सा दुपट्टा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए अब आगे रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप ना चैनल को देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करें, और उसे उसका जो मतलब जो नोटिफिकेशन रहता है ना तो उसको ऑल पर रखेंगे ना तो सारा नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आपको। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना भी बिल्कुल नहीं भूलें, और मेरे लाइव सेशन को भी ज़रूर से मतलब उस पर भी ज़रूर से आएँ लाइव सेशन पे, वहाँ भी मैं रहती हूँ, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो 8:30 से 10 बजे के करीबन मैं अपने लाइव सेशन में भी रहती हूँ, तो वहाँ भी आप लोग मेरा सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू जो भी अभी तक देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है अरहर की दाल, यहाँ डाला है नमक, हल्दी, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालें। प्रेशर कुकर में इसको कुछ देर तक प्रेस लगाएंगे जिससे कि मतलब थोड़ा सा ये मतलब कढ़ाई में आप बना सकें इतना भर, और ये बहुत टेस्टी बनती है। और सुबह सुबह मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ और इधर चाय भी मैंने चढ़ा दिया है, तो मदर इन लॉ को देना है, खुद लेना है और हस्बैंड को। तो चलिए जल्दी जल्दी चाय बना लेते हैं। और यहीं पर मैं थोड़ा सा ना टमाटर, प्याज और यहाँ हरी मिर्च सभी को मैंने धो लिया है और धो के मैंने चॉप कर लिया। हरी मिर्च मैंने करीबन 7 से 8 लिया है क्योंकि इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और लहसुन को भी मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है, कोई मसाला कुछ भी ग्राइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और साथ में यहीं पर ना पुदीना का पत्ता कुछ लेंगे और उसको भी ऐड कर लेंगे, ये मेरे बगीचे में ही है। चलिए इसको भी मैंने ले आया, मतलब अच्छा लगता है मुझे, बगीचे में हर कुछ रहता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ फोरन में डालने के लिए लिया है काला सरसों, राई, और थोड़ा सा हींग है, थोड़ा सौंफ है, जीरा है और मेथी है। तेज़पत्ता का यूज़ मैंने नहीं किया, कड़ी पत्ता का यूज़ नहीं किया, सूखा मिर्च का यूज़ नहीं किया और नहीं किया अदरक का यूज़, इन सब को मैंने फ़ौरन में यूज़ नहीं किया। ये रेसिपी बनाएंगे हम लोग सरसों तेल में। हमारे यहाँ सरसों तेल ना बहुत लोग पसंद करते हैं, घी से भी ज़्यादा, मतलब घी में बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना का पत्ता भी ऐड किया है मैंने। तो चलिए सारे फ़ौरन को बहुत अच्छे से थोड़ा होने देते हैं, थोड़ा सा भुनने पर बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, खास करके लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत यमी वाला आता है। तो इसको थोड़ी देर भुनेंगे, इतना ज़रूर भुनेंगे थोड़ा ब्राउन होने तक, ताकि इसका ना तड़का में टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो इस तरीके से बहुत बार आप लोगों ने बनाया होगा मिक्स दाल का तड़का या फिर चना दाल का तड़का, है ना, या फिर मूंग का भी तड़का मैंने भी शेयर किया है, लेकिन ये अरहर दाल का जो तड़का बनता है आलू के साथ, ये ज़रूर से ट्राई करें, सब्जी बोलें या फिर तड़का बोलें, जो बोलें। चलिए यहीं पर जो जनरल मसाले हैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, हल्का हल्का सभी कुछ ऐड कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी नमक थोड़ा यहाँ पर कम डालेंगे, क्योंकि दाल में भी हमने थोड़ा सा सीजने के टाइम में प्रेशर कुकर में नमक डाला था, तो थोड़ा सा कम यूज करेंगे।
और अब सारे दाल को ना यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और आप देख सकते हैं कितना फैंटास्टिक सा एक कलर सामने आया है। बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है और जो चीज़ें सुंदर लग रही हो देखने में तो फिर क्या बात है। और रेसिपी में कलर भी बहुत मायने रखता है, ख़ास करके जबकि कोई फूड कलर का आपने यूज़ नहीं किया और बहुत अच्छा सा कलर आया, इसका मतलब है कि आपकी जो भी रेसिपी बन रही है वो बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है और उसका मसाला आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है। चलिए थोड़ा बहुत उबाल आने देते हैं बहुत ज़्यादा उबाल की भी इसमें ज़रूरत नहीं, 2 से 4 बार बस मैंने आलू को फ्राई किया होगा हल्का सा और इस तरीके से ये यम्मी यम्मी रेसिपी बनके तैयार हो गई। तो आप लोग ज़रूर से बताना कि कैसा लग रहा है ये, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, जब मतलब इस ये बन गया ना उसके बाद जब ये मैंने छोटी वाली डॉटर को दिया था खाने के लिए तो वो बोल रही थी मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इस तरीके से आप लोग भी बताइएगा, ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मैं तो हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ। तो इस तरीके से अरहर दाल की आलू के साथ जो ये तड़का बनाते हैं ना या सब्जी बनाते हैं तो ये बहुत यमी बनती है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय में बनती है और इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई बाहरी चीज़ों की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से जब भी मन परेशान हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, घर में कोई हरी सब्जी भी नहीं हो, या फिर ये भी हो सकता है कुछ आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन हो, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है ये वाला रेसिपी आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।